Check. Okay, this works. Someone said. किसी ने कहा. When the devil fell. जब शैतान गिरा. When he was thrown out of heaven. जब वो स्वर्ग से निकाला गया. He fell into the sound system. उस साउंड सिस्टम में जाके गिर गया, इसलिए माइक्स में प्रॉब्लम होती रहती है. It's okay. Luke chapter 11. I love that song that Prakash sang. Luke chapter 11. Luke का क्या बात है? Verse 1. पहली पंक्ति. It happened. ऐसा हुआ. That while Jesus was praying in a certain place. के यीशु मसीह किसी जगह पे प्रार्थना कर रहे हैं. After he had finished. और जब उन्होंने प्रार्थना करके समाप्त किया. One of his disciples said to him. और एक चेले ने आके कहा. Lord. प्रभु. Teach us to pray. हमें सिखाइए प्रार्थना करना. As John taught his disciples. जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया. What's the word saying? और वचन क्या कह रहा है? Lord. प्रभु. Teach us to. हमें सिखाइए. Pray. प्रार्थना कर. Okay, so before we begin the message. तो संदेश में जाने से पहले. Maybe you can turn to your neighbor and pray for a minute. तो आप अपने पड़ोसी के साथ मुड़िए और एक क्षण के लिए प्रार्थना कीजिए. एक मिनट के लिए. एक मिनट के लिए. Then we go ahead with the message. और फिर हम संदेश. When you read Luke chapter 10, जब आप लुका के 10वें अध्याय को पढ़ते हैं, there is a lot going on in the life of Jesus. तो बहुत कुछ चल रहा है यीशु मसीह के जीवन में. He has chosen the 70 people, they are going to go out 2 by 2. और 70 को 70 लोगों को उन्होंने चुन लिया है. He is teaching them. और वो जाएंगे और प्रचार करेंगे और प्रभु उन्हें सिखा रहे हैं. There is a parable of the good Samaritan. और फिर उसके बाद जो है वो दृष्टांत है अच्छे सामरी का. There is a story of Mary at Bethany. और मैरी जो बेथनी की है उसकी कहानी है. There are many things going on in the ministry of Jesus. और यीशु मसीह की सेवकाई में काफी कुछ हो रहा है. And there are a lot of people who are along with Jesus. और बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ हैं. They have seen him preach. उसमें उन्होंने देखा उसे प्रचार करते हुए. But they didn't say teach us to preach. और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें प्रचार करना सिखा. They saw him teach. उन्होंने ये देखा कि वो कैसे सिखाते हैं. But they didn't say teach us to teach. और उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें सिखा प्रभु सिखाते कैसे. They saw him heal people. उन्होंने ये देखा कि वो कैसे चंगाई देते हैं लोगों. But they didn't say Lord teach us to heal people. पर उन्होंने ये नहीं कहा कि प्रभु हमें सिखा कैसे लोगों को चंगाई देनी. They saw him pray. उन्होंने देखा कि वो कैसे प्रार्थना करते हैं. They said teach us to pray. और फिर उन्होंने कहा कि हमें सिखाइए कैसे प्रार्थना करते हैं. Is that your prayer sometime? क्या ये प्रार्थना है हमारी कभी? Now I know what the answer is.
और मैं जानता हूँ जवाब क्या होगा no. नहीं because we think we know how to pray क्योंकि हम समझते हैं हमें पता है प्रार्थना कैसे the reality is पर सच्चाई है we don't know how to pray हमें मालूम नहीं है कैसे we think we know हम सोचते हैं क्या imagine the disciples सोचिए चेलों के बारे में they are with him वो उनके साथ है they are seeing him preach वो देख रहे हैं कि कैसे they are seeing him change lives वो कैसे जीवन बदल they are seeing him do many things वो कई सारी चीजें कर रहे हैं they don't ask for those things पर वो सारी बातें वो नहीं मांगते they are asking for one thing वो एक चीज मांगते हैं teach us to pray कि सिखाइए हमें they have found the secret वो उस रहस्य को जान चुके हैं to the power in the life of Christ कि यीशु मसीह के जीवन का जो सामर्थ है is prayer वो प्रार्थना है That's where you will get the power. और वही तुम्हें वहाँ से सामर्थ मिलेगी. That's where I will get the power. वहाँ से ही मुझे सामर्थ. And without prayer. और प्रार्थना के बगैर. We are not going to accomplish anything. हम कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाएंगे. We will talk about it a little bit today. और कुछ बातें करेंगे उसके बारे में. We will turn to many passages to exercise your fingers like this. और बहुत सारे अध्याय की और मुड़ेंगे तो अपने हाथों को ऐसे कसरत कर लेना थोड़ी If I don't have a Bible but I have a mobile phone, you still will use your fingers, right? और अगर आपके पास बाइबल किताब नहीं है और मोबाइल फोन पे आप देख रहे हैं तो आपको And don't open Facebook. Facebook मत खोलना WhatsApp नहीं खोलना That's the danger of having the mobile on the phone. और Sorry, the Bible on the mobile. और ये खतरा है जब मोबाइल पे हमारे पास बाइबल होती है Mobile on the phone. Anyway. Teach us to pray. और वो कहते हैं सिखाइए हमें कैसे प्रार्थना करना है। Martin Luther said this. और Martin Luther ने ये कहा था। As it is the job or the business of the tailor to stitch clothes. और जैसा एक व्यवसाय है एक दर्जी का कपड़े सीना। As it's the business of the cobbler to mend shoes. जैसा एक एक जूते काटने वाले का जूते का एक मोची का जो काम है वो ठीक करना। It's the work of the Christian to pray. और ये मसीहों का कार्य है कि उन्हें प्रार्थना करना Not just a 5 minute prayer basic in the morning और वही 5 मिनट की प्रार्थना सुबह के समय में वो ही नहीं But prayer that can move mountains और प्रार्थना वो जो पहाड़ों को हिला सके With the life of Christ और यीशु मसीह के जीवन It was not occasional prayer it was always prayer और ये कभी कभी मौकों पे प्रार्थना करने वाली प्रार्थनाएं नहीं थी John chapter 5 verse 19 और यूहन्ना 5 और 19 में Then answered Jesus and said to them और यीशु मसीह ने उत्तर दिया और ये कहा Verily verily I say unto you और सच सच मैं तुमसे कहता हूं The son of man can do nothing of himself और वो मनुष्य का पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता This is Jesus saying by the way और ये यीशु बात कर रहे हैं This is Christ saying और ये मसीह बात कर रहे हैं That without I can do nothing और मैं कुछ भी नहीं कर सकता on my own मैं अपने आप पे if Jesus can do nothing on his own जब यीशु खुद से कुछ नहीं कर सकते what about us तो हमारे हमारा क्या what was Christ teaching और यीशु मसीह क्या सिखा रहे without speaking to his father in heaven अपने पिता से बात किए बगैर without getting wisdom from God उनसे बुद्धिमत्ता पाए बगैर he could do nothing वो कुछ भी नहीं कर सकता that's what he's saying और वही वो सिखा this is God himself saying this to us और ये प्रभु हमसे खुद कह रहे हैं does that mean that Jesus did not know how to pray क्या इसका मतलब ये है कि यीशु को पता नहीं था प्रार्थना कैसे करें? He's teaching us dependence upon God. और वो हमें ये सिखा रहे कि प्रभु पे कैसे निर्भर होना है। Then we need to understand that. तो हमें ये समझना है that without prayer कि प्रार्थना के बगैर there is going to be no power कि कोई भी सामर्थ्य नहीं होगी in anything we do कि जो भी चीज हम कर रहे हैं whether we sing चाहे हम गीत गा रहे हैं या music या हम संगीत कर रहे हैं or anything we do या कुछ भी कर रहे हैं there is going to be no power तो कोई भी सामर्थ्य नहीं होगी without prayer प्रार्थना के बगैर and this is what we want to learn today और यही हम सीखना चाहते हैं आज it's the way of how Christ lived और ये वो तरीका है जैसे यीशु मसीह जिए and he set an example for us और हमारे लिए एक उदाहरण many things in life we can substitute और बहुत सी चीजें हम उनकी बदली कर सकते if the child is crying they can go downstairs as a mother's room down they can go down and you know, अगर बच्चा ज्यादा रो रहा है तो नीचे जा सकते हैं वो नीचे कमरा है वहां पे आप जा सकते हो कोई बात नहीं We can substitute many things. हम बहुत सी चीजों का आदर बदल We can substitute television. हम
टीवी जो है टेलीविजन है वन इज स्पॉइल्ड वी कैन गेट अनदर वन एक खराब हुआ तो दूसरा वी कैन सब्स्टिट्यूट अ मोबाइल फोन हम मोबाइल फोन को बदल सकते हैं बट वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट प्रेयर पर हम प्रार्थना को बदल नहीं सकते वी कैन नॉट सब्स्टिट्यूट प्रेयर हम प्रार्थना को किसी चीज के साथ एंड दैट्स व्हाई द डिसिपल्स सेड और इसीलिए चेलों ने कहा टीच अस टू प्रे उन्होंने कहा सिखाइए हमें प्रार्थना टीच अस टू प्रे उन्होंने कहा कि सिखाइए हमें नेक्स्ट फ्यू मिनट्स और कुछ क्षणों के लिए वी विल टॉक अबाउट व्हाट जीसस डिड विद प्रेयर और यीशु मसीह ने क्या किया प्रार्थना के साथ वेयर ही डिड इट कहां पे की हाउ ही डिड इट कैसे की व्हेन वाज ही प्रेइंग कब प्रार्थना कर रहे थे वी कोरिलेट दैट टू आवर लाइव्स और फिर हमें हम उसको जोड़ेंगे हमारे हियर हियर आर अ फ्यू ग्लिम्सेस इनटू द लाइफ ऑफ द सेवियर और ये कुछ मानो झलक है उसकी जो वो कर रहे थे परमेश्वर के जीवन की कुछ झलक है कि कहां-कहां पर उसने प्रार्थना की किस क्षणों में उसने प्रार्थना की और ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम उसे अपने जीवन में लागू कर सके दैट्स द पर्पस और ये उद्देश्य है द फर्स्ट प्लेस यू सी जीसस प्रेयर और पहली जगह जहां पे वो प्रार्थना करते हैं बिफोर ही बिगन हिज मिनिस्ट्री पहले जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरुआत करने से लूका चैप्टर 3 लूका के तीसरे अध्याय वर्स 21 और 21वें पद में एंड वी कैन सी दैट और हम ये देख सकते हैं This is the baptism of Christ. और ये यीशु मसीह का बपतिस्मा. And all the people were baptized. और जब सारे लोगों का बपतिस्मा हुआ. Jesus was also baptized. यीशु का भी बपतिस्मा हुआ. And while he was praying. और जब वो प्रार्थना. Don't miss that part. और उसे चूक मत जाना उस वचन को. While he was praying. कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे. Then heaven opened up. और फिर स्वर्ग खुला. While he was praying, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, I love that part. मुझे ये बहुत पसंद. Many times when we read the baptism account of Jesus, we don't see that part. और जब कभी भी हम बपतिस्मा पढ़ते हैं यीशु मसीह का, तब हम ये चीज भूल जाते हैं. When before he began his public ministry, जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरुआत की लोगों के सामने, he prayed first. उन्होंने पहले प्रार्थना की. While he was praying, heaven opened up. कि जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब स्वर्ग खुला does that mean that he did not know prayer about prayer when he was a child क्या इसका मतलब ये है कि जब वो छोटे थे तब उन्हें पता नहीं था प्रार्थना कैसे no, he knew उन्हें पता remember in the temple he says don't you know that I must be about my father's business और याद है मंदिर में उन्होंने कहा था कि मुझे अपने पिता के व्यवसाय में he knew about it उन्हें पता था as a youth he must have prayed एक युवक होने के बाद before he began his 3.5 year ministry पर 3 साल की सेवकाई शुरू करने के पहले before he began it उसके पहले कि at his baptism उनके बपतिस्मा के दौरान he says while he was praying heaven was opened up जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब स्वर्ग खुला And that speaks to us. और ये हमसे बातें कर रहा है. Before Christ would take a step to begin His work on this earth. और इसके पहले के प्रभु यीशु अपना कार्य शुरुआत का कदम रखे इस धरती पर he prayed. उन्होंने प्रार्थना की he began to pray. उन्होंने प्रार्थना करना शुरू and I need to learn from this. और हमें इससे सीखना है Before we begin to do anything. कि इसके पहले कि हम कुछ शुरुआत करें learn to pray. प्रार्थना करें Some of us can say, but I don't know how to pray. कई हम में से कह सकते हैं कि पर हमें पता नहीं प्रार्थना कैसे करनी है By the grace of God, you can learn. अनुग्रह परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम Prayer is not just saying something that comes into your mouth. और प्रार्थना ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ कुछ चीजें जो आपके मुंह से निकल It's a relationship between you and God. ये संबंध है आपका और प्रभु And there is a Holy Spirit who is inside of you. और एक पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है। teaches you how to pray. वो ये सिखाती है कि कैसे प्रार्थना करना। Sometimes in our lives. और कुछ समय हमारे जीवनों में we don't know how to pray हमें पता नहीं है कैसे but we can always ask the Lord to teach us to pray पर हम हमेशा प्रभु से ये कह सकते हैं कि हमें सिखाएं how's the best way to learn praying कैसे सबसे अच्छा तरीका क्या है कैसे सीख सकते हैं be around in a prayer meeting एक प्रार्थना सभा में आए you will hear other people pray that's how you will learn और कुछ और लोगों को सुनेंगे प्रार्थना करते हुए और आप सीखेंगे prayer is not a form or a ritual और प्रार्थना जो है वो कोई मानो सभ्यता या कोई एक तरीका नहीं है इस तरीके से रिलेशनशिप विद गॉड वो एक संबंध है
परमेश्वर रिलेशनशिप विद गॉड ये प्रभु के साथ एक संबंध इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड गॉड ये एक बातचीत है आपके बीच में और प्रभु के बीच एंड मेनी टाइम्स प्रेयर बिकम्स एन इंफॉर्मेशन और कभी-कभी प्रार्थनाएं जो है वो माने सूचना वी ट्राई टू इन्फॉर्म द लॉर्ड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन और हम बताते रहते हैं प्रभु को जैसे कुछ चल रहा है ही डजंट नीड टू नो ही नोस उन्हें जानने की जरूरत नहीं क्या चल रहा है उन्हें पता है डेवलप अ रिलेशनशिप और एक संबंध बनाइए develop a relationship एक संबंध बनाइए God does not need to be informed of what's going on. He knows what's going on. और प्रभु ये जानना नहीं चाहते। But learn to get His power. और ये सीखिए कि कैसे उनकी सामर्थ्य। Learn to get His power. कैसे मिलेगी उनकी सामर्थ्य? In Luke 11. और लुका 11 में। After verse from verse 2 onwards. और दूसरी पंक्ति के बाद। In verse 2, 3 and 4. दो, तीन और चौथी पंक्ति। He says there. वहाँ पे वो ये कहते हैं। When you pray. कि जब तुम प्रार्थना करो से लाइक दिस उन्होंने कहा ऐसे कहो ही डिडंट से से दीस वर्ड्स उन्होंने ये नहीं कहा कि यही शब्द कहो नाउ मेनी क्रिश्चियंस प्रे दिस प्रेयर और वो ये इस तरीके से कई मसीह प्रार्थना करते हैं फादर हैलोड बी थाई नेम वो कहते हैं प्रभु जैसे तेरा नाम पवित्र माना जाए योर किंगडम कम तेरा राज्य आए गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड आज हमें हमारी आज की रोटी दे फॉरगिव अस आवर सिंस और हमें हमारे पापों से क्षमा कर Lead us not into temptation. और हमें लालसाओं में मत गिरने देना. That is not God. How God? What God said to pray. और प्रभु ने इस तरीके से कहा नहीं कि यही प्रार्थना करें. He didn't say pray this prayer. उन्होंने ये नहीं कहा कि यही प्रार्थना. Father who is in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on this earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Amen. And we think. प्रार्थना कर लिया प्रभु की प्रार्थना की दिस इज लॉर्ड्स प्रेयर और ये प्रभु ने जैसा सिखाया वैसे मैंने प्रार्थना की और मैंने कर लिया रॉन्ग ये गलत है दैट इज नॉट द लॉर्ड्स प्रेयर ये प्रभु की प्रार्थना नहीं है ही सेड प्रे लाइक दिस उन्होंने कहा इस तरीके से प्रार्थना टीचिंग अस अ मेथड टू प्रे और ये तरीका सिखा रहे थे Hallowed be thy name. First seek God in prayer. और उन्होंने कहा कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना। Thy kingdom come. Seek His purpose in prayer. और जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा यहाँ। Give us today our daily bread. Then ask for your provision. और फिर वो कह रहे हैं कि आज की रोटी हमें। Lead us not into temptation. Keep us away. Keep us safe in spiritual warfare. और हमें परीक्षा में ना ला इसका मतलब ये है कि हमें कोई मुसीबत में ना। This is He's trying to teach us how to pray, but not this prayer. And many Christians pray this prayer and said we prayed. और वो तरीका सिखा रहे थे वो इस तरीके से नहीं बोल रहे थे कि ये प्रार्थना करें इट्स रॉन्ग ये गलत है यू नेवर हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड इफ यू प्रे दिस प्रेयर 75 टाइम्स अ डे आल्सो और 75 बार भी अगर ये प्रार्थना आप प्रेस करेंगे तो भी आपका एक कोई संबंध नहीं बनेगा फादर यू आर यू नो व्हाट यू आर डूइंग और ये क्या कर रहे हैं जान रहे हैं जब आप ये कर रहे हैं जेंटाइल्स डू आउटसाइड और ये जो अन्य लोग करते हैं उस तरीके से आप कर रहे हैं माला जप रहे हैं फादर हु इज इन हेलर बी नो God said, I don't want vain repetition. और प्रभु ने कहा था कि मुझे व्यर्थ बोलना नहीं चाहिए। I don't want this vain repetition, same thing again and again and again. और यही व्यर्थ बोलना बार-बार मुझे ऐसी इस तरीके की प्रार्थना। What is prayer? प्रार्थना क्या है? Conversation. वो बातचीत है। Now if I have a good friend. अगर मेरा एक अच्छा दोस्त है, and he go to the good friend. और अगर मैं अच्छे दोस्त के पास, and I tell him the same thing every day. और मैं उसे रोज वही बात जाके बताऊँ रोज-रोज। Like I pray his prayer. जैसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ मैं हर रोज कैसा है तू अच्छा है तू मेरा घर भी अच्छा है तेरा घर भी अच्छा है कल If I keep saying this to him every day, और अगर मैं ऐसे ही रोज बातचीत करने लगूँ, If I speak to my parents the same thing every day, अगर मैं अपने माता पिता से ऐसे ही रोज, then I say I had a great conversation with my family, और फिर मैं कहूँ कि मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई, you are laughing about it, और हम हंस रहे हैं इसके बारे में, but that's how sometimes we pray, और कभी-कभी हम ऐसे, same thing again and again. वही बातें बार-बार। Sometimes you are around people and when they begin to pray, you know what they're going to say next. और कभी-कभी ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास आप बैठते हो तो वो प्रार्थना करने वाले और पता है आपको कि आप ये क्या बोलेंगे। And the point is not that they are bad people or they don't know how to pray. और ये बुरा नहीं है ऐसी बात नहीं कि वो खराब लोग हैं। But the thing is they've not learned how to pray. पर उन्होंने सीखा नहीं है प्रार्थना करना। And that's what the disciples are saying to Jesus. और यही चेले कह रहे हैं कि And this is what they are saying. और ये वो कह रहे हैं। Lord.
प्रभु टीच अस टू प्रे हमें सिखाइए प्रार्थना यू नो व्हाट्स द वीकनेस इन मोस्ट क्रिश्चियंस लाइव्स और सबसे कमजोर कमजोरी वाली यू नो व्हाई वी डोंट फाइंड द स्ट्रेंथ टू डू थिंग्स और जानते हैं हम सामर्थ्य क्यों नहीं पाते यू नो व्हाई वी गिव अप सो इजीली जानते हैं हम हार क्यों मान लेते यू नो व्हाई वी डोंट सी द एंड व्हाई डोंट वी सी ब्रेकथ्रूज इन आवर लाइफ जानते हैं हम अंत क्यों नहीं देखते कोई चीजों का या हमें छुटकारा नहीं मिलता कोई चीज नॉट लर्न हाउ टू प्रे क्योंकि हमने सीखा नहीं है प्रार्थना वी हैव लर्न टू आस्क अदर पीपल टू प्रे फॉर अस हमने ये बहुत अच्छे से सीखा है कि दूसरों को कैसे बोलना है मेरे लिए प्रार्थना वी हैव लर्न हाउ टू से आमेन व्हेन अदर पीपल आर प्रेइंग हमें ये सीखा है कि आमेन कैसे बोलना है जब बट वी हैव नॉट लर्न हाउ टू प्रे आवरसेल्व्स टू गॉड पर हमने खुद नहीं सीखा है घुटनों पे आके प्रार्थना करना We have not learned how to receive His power with prayer. हमने ये नहीं सीखा कि उसकी सामर्थ को कैसे पाए प्रार्थना में. In Acts chapter 10 verse 38. और प्रेरितों के काम 10:38 में ये कहता है. It says. ये कहता है. The Lord anointed Jesus with the Holy Spirit and power. और प्रभु ने अभिषेक किया यीशु मसीह को. पवित्र आत्मा और सामर्थ से. How did he get that power? और कैसे मिला उन्हें वो सामर्थ्य? If he was filled with the Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरपूर थे. We have the Holy Spirit in us. हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है. And if we are not filled by the Spirit. और अगर हम भरपाई से नहीं उसके पवित्र आत्मा. If we are not controlled by the Spirit. और अगर हम उसके नियंत्रण में नहीं. We will never experience power in prayer. तो हम कभी भी सामर्थ्य नहीं पा सकेंगे प्राप्त. We have the Spirit. हमारे अंदर आत्मा है. But we need to learn to depend upon the Spirit. पर हमें ये सीखना है कि कैसे उस पे निर्भर. Ministry of Christ. ये जो सेवकाई है प्रभु यीशु की. Started with prayer. वो शुरुआत हुई थी प्रार्थना से. प्रार्थना से शुरुआत. Luke chapter 2 verse 52. और लूका का 2 उसका 52वां अध्याय. Speaks about his childhood. वो उसके बचपन के बारे में. He was growing in wisdom and stature. वो उस बुद्धिमता में और शरीर में बढ़ रहे थे सामर्थ्य में बढ़ रहे थे. ये बहुत ही अद्भुत है. By prayer. कैसे वो प्रार्थना. There is a word in the Bible called anointing. और एक शब्द है बाइबल में जो कहता है अभिषेक. When you are in a room. जब आप एक कमरे में हो. And someone speaking. और कोई बात कर रहा है. And they are surrendered to God. और वो समर्पित है प्रभु. Then what they speak touches your heart. तो वो जो बातें करेंगे वो तुम्हारे हृदय को छू जाएगा. When you are in a church. जब आप एक कलीसिया में हो. If the singer is anointed. और अगर वो worship करने वाला अभिषेक है. Then your heart will be touched by the worship. तो आपका जो हृदय है वो God will come and touch you. प्रभु आके आपको छू लेगा. It's because the person who is doing it is anointed. क्योंकि जो कर रहा है वो कार्य वो अभिषिक्त है. When you are fellowshipping with someone. जब आप किसी के साथ संगति में हो. And they say something and it touches your heart, they are anointed. तो जब वो कुछ कहते हैं और वो तुम्हारे हृदय को छू जाते हैं. It's God's special touch upon a person when your spirit filled. और ये जो है प्रभु छू लेते हैं किसी के वो अभिषेक होने के कारण तुम्हारे हृदय को. We want it. हमें ये चाहिए. We want that anointing. और हमें वो अभिषेक चाहिए. We want that blessing of the Lord. और हमें वो चाहिए प्रभु की आशीष. But that will come when we are spirit filled and when we are praying. और ये आएगी जब हम पवित्र आत्मा की भरपाई में होंगे और जब हम चलेंगे. Learn to pray. हमें सीखना है. Listen. सुनिए. Whether before you pray. इसके पहले कि तुम प्रार्थना करो. Pray. कुछ भी करने से पहले प्रभु से मांगिए उस खास छूने के लिए स्पर्श करने के और लिए waits for it. प्रभु इंतजार करते हैं. Because when a person is anointed, when he's filled, जब एक व्यक्ति अभिषिक्त है जब वो छुआ गया है life change. और जीवन बदलते हैं. Life change. जीवन बदलते हैं. We see that in the life of Christ. और ये हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह Not only did his ministry begin with prayer. यही नहीं कि उसकी सेवकाई शुरू हुई प्रार्थना. But look at the times when Jesus prayed. पर ये भी समय देखिए जब उन्होंने प्रार्थना की. When he needed direction in life. जब उन्हें दिशा चाहिए थी अपने जीवन में. He prayed. उन्होंने प्रार्थना की. Mark chapter 1. मरकुस का पहला अध्याय. Mark chapter 1. मरकुस का पहला अध्याय. Verses 35 to 39. 35 से लेके 39वीं पंक्ति तक. In the morning. सुबह में. Rising up great while before it was day. और इसके पहले के भोर होने से पहले ही वो उठ गए. And he went out.
और वो बाहर गए departed to a solitary place and there he prayed और एक एकांत में जाके उन्होंने प्रार्थना की and Simon came looking for him और शिमोन आया उन्हें ढूंढने के and when they found him और जब उन्होंने पाया they said to him उन्होंने कहा all these people are looking for you ये सारे लोग तुझे ढूंढ रहे हैं and he said let us, but Jesus said let us go to another town वो कहते हैं कि चलो कोई दूसरी जगह what's happening here ये क्या हो रहा है if you read the scripture अगर आप अध्याय पढ़ेंगे he has healed people उन्होंने चंगाई दी है yes, lot of success. वहाँ पे बहुत सी उन्हें सफलता प्राप्त हुई है Long day. बहुत ही लंबा दिन है He's tired. वो थक चुके हैं But what is Jesus doing? पर यीशु मसीह क्या कर रहे हैं Before dawn, और सुबह भोर होने से पहले he gets up. वो उठ जाते हैं And he prays. और वो प्रार्थना कर रहे हैं He's praying. और वो प्रार्थना कर Peter comes searching for him. और पत्रस आता है उन्हें And Peter says, और पत्रस ये कहता Lord, प्रभु there's a queue outside. एक बार बहुत Yesterday you did so many amazing things. इतनी अद्भुत चीजें की कल आपने Come on, let's go back again. और आइए बाहर जाकर waiting for us. ये लोग हमारा इंतजार कर amazing successful day. और एक सफलता भरा दिन People got healed, people got delivered. चंगाई मिली उन्हें छुटकारा मिला Come on, let's do some more. आइए कुछ और करते हैं People are waiting for him. What are you doing here alone? और वहाँ पे इतने ये लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं आप यहाँ पे क्या कर रहे हो Jesus said. प्रभु कहते हैं We're going to another town. हम दूसरे शहर में जाएंगे But there is so much success here. पर यहाँ पे इतनी सफलता मिली है So many people are following me now. इतने सारे लोग पीछे चल रहे हैं What is Jesus saying? पर यीशु क्या कह रहे हैं I'm going to go to another town. हम कोई और शहर में जाएंगे You're not supposed to be here. यहाँ पे नहीं रहेंगे He's prayed. उन्होंने प्रार्थना की I was thinking about it. मैं ये सोच रहा था If I was in that situation. अगर मैं उस परिस्थिति में होता Oh, so many are coming. मैं सोच रहा था अरे I have to take care of them. मुझे उनका ध्यान रखना है I, let's stay here. चलो यहाँ पे रुक जाता हूँ What is Jesus saying? पर यीशु क्या कह रहे हैं We have to go somewhere else. वो कह रहे हैं कि हमें कहीं और जाना I'm hearing what my father is saying. वो ये मैं वो सुन रहा हूँ जो मेरे पिता कह रहे हैं there are crowds. यहाँ पे लोग हैं there are many things going on. यहाँ पे बहुत सी चीजें हो रही है my father is saying, पर मेरे पिता कह रहे हैं go to another place. किसी और जगह पे जाना I'm going to go there. हम मैं वहाँ पे जाऊँ you know what I learned from this? जानते हैं मैं क्या सीखा When I sit to pray, जब मैं I have many urgent details in my life. मेरे पास बहुत सारी जरूरतें हो सकती हैं. And maybe I have done a lot today. शायद मैंने बहुत कुछ किया है. It's normal for me to get up tomorrow morning and say, Oh, I have got so much to do. और ये बहुत ही स्वाभाविक है कल सुबह उठ के ये कहना कि बहुत कुछ आज कर. I think a lot depends upon me. और शायद प्रभु मुझ पे निर्भर है. I have to do a lot. मुझे बहुत कुछ करना है. And when I go to God in prayer, God says, Leave those things and go and do this thing. और प्रभु कहेंगे कि ये सारी बातें छोड़ ये कर। But I have a successful crowd going here. पर एक सफलता भरी भीड़ है यहाँ पे। People are following. इतने सारे लोग मेरे पीछे। They need me. उन्हें मेरी जरूरत है। And God says, No, I need you there. और प्रभु कहते हैं मुझे तेरी वहाँ जरूरत है। Sometimes in our lives, बहुत बार हमारे जीवन में, we have a lot of details in the morning. हमारे पास बहुत सी जरूरतें हैं सुबह. And we assume that this is what we are supposed to do today. और हम ऐसा सोच लेते हैं कि मुझे ये सब करना है. We have a schedule. हमारे पास एक. We have it in our mind. I have planned out everything. ये सारी बातें करनी है आज. एक लिस्ट बना ली. But I need to open my heart. पर मुझे अपना हृदय खोलना है. What God is saying for me to do today. प्रभु क्या कहना चाहते हैं मुझसे? Maybe He has a different plan. शायद प्रभु के पास एक अलग. Maybe He says, leave some of the urgent details and go talk to someone else. प्रभु कहते हैं कि ये सारी बातों को छोड़ ये urgent बातों को छोड़ पर ये कर. This is the danger in the Christian life. ये खतरा है हमारे मसीह जीवन. We don't ask for direction. We assume that this is the right direction. हम पूछते नहीं है मांगते नहीं प्रभु से मुझे दिशा दिखाओ पर हम सोच लेते हैं कि एवरी मॉर्निंग वी थिंक वी नो इन व्हाट डायरेक्शन आई हैव टू गो हम रोज सुबह उठ के यही सोचते हैं कि मुझे पता है कहाँ जाना इफ थिंग्स आर गोइंग राइट अगर चीजें सही चल रही हैं दैट मींस आई एम कंटिन्यूइंग आई एम सपोज्ड टू कंटिन्यू डूइंग इट अगर सही चल रही है तो मुझे वैसे ही करते रहना चाहिए दैट्स हाउ क्राइस्ट वुड वर्क अगर वैसे ही यीशु मसीह करते हैं इट्स ओके तो फिर सही था But when everything is going right, he's saying, my father is saying, go somewhere else. पर सब कुछ सही चल रहा है वहाँ पे प्रभु कहते हैं कि मेरे पिता कह रहे हैं कि मुझे कहीं और जाना है Listen, सुनिए If you want direction for your life, अगर तुम्हें दिशा चाहिए अपने जीवन की Seek God early in the morning. प्रभु को खोजिए सुबह में He says, Jesus woke up when everyone else was asleep. यीशु मसीह उठे जब सब सो रहे थे Everyone was sleeping. सब सो रहे थे But he was awake. पर वो उठ गए He was speaking with his father.
वो अपने पिता से एंड गॉड गिव हिम द डायरेक्शन फॉर हिज लाइफ प्रभु ने उन्हें दिशा दी है वेयर टू गो कहां जाना है होम टू स्पीक किससे बात करनी व्हाट टू डू क्या करना है व्हाट नॉट टू डू और क्या नहीं करना यू एंड आई नीड द सेम थिंग हमें और आपको वही चीज डोंट अज्यूम यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ और ऐसा मत सोच लेना कि हमें नियंत्रण है अपने जीवन व्हेन वी अज्यूम दैट वी डोंट नीड गॉड्स डायरेक्शन then we end up doing what we think is right hum aisa agar soch lete hain ki hame prabhu ki disha ki zarurat nahi hai to hum galat cheeze kar baithte hain you need his direction every day hame zarurat hai uske disha ke liye don't get bored asking for his direction every day aur is cheez se bore mat ho jana ki main puchunga har some days god will keep telling you to do the same thing again and again and again कभी कभी प्रभु जो है आपसे हर रोज वही बातें करने के लिए कहेगा जो रोज आप कर रहे हैं and there is a reason behind it और इसका एक कारण है he knows वो जानते हैं but my job is to get his direction every day पर मेरा कार्य क्या है उनसे दिशा पाना I don't want to make my schedule so perfect that if God wants to change it I'll have to say no कि मैं अपने टाइम टेबल में इतना परफेक्ट नहीं होना चाहता हूँ कि जब प्रभु कहे मुझसे कुछ करने के लिए तो कभी कभी हमारे जीवन को हमने इतना सेट कर दिया होता है कि अगर प्रभु कहेगा भी बर्दो हम लोग बोलेंगे नहीं 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 ये सेट है ये तो चलता है रोज मैं करता हूँ मुझे उस स्थान पर नहीं पहुंचना है कि अगर यीशु मसीह मुझे कुछ कहे आज अलग करने के लिए मैं बोलूं नहीं मैं तो रोज इसके आदि हो गया आदत पड़ गई नो I cannot be in that place. नहीं मुझे ऐसी जगह पे नहीं. And maybe sometimes I can think. और कभी-कभी मैं ये सोच सकता हूँ. Maybe I can say this. और मैं ये कह सकता हूँ. We are sometimes so fixed in our ways. कि हम कभी-कभी इतने सेट कर लेते हैं या फिक्स हो जाते हैं उस चीजों में. Even Jesus cannot change us. कि यीशु भी बदल नहीं पाते. Because we said this is how it is to be done. कि ऐसा ही करना है इस चीजों में. It doesn't work that way. ये ऐसा नहीं चलता. God is not like in a way saying everything goes in this every day he has a direction for your life ke har din unke paas disha hai hamare liye dikhane ke liye don't be so occupied that you miss his direction for your life itne bhi vyast mat ho jana ke tum chook jao unke disha dekhne next we talked about his needing direction next look at his devotional life aur dusra ye dekhiye ki kaise wo unka jo look chapter 5 बहुत सी भीड़ उनके पास आई टू बी हील्ड चंगाई पाने के लिए बट ही विथड्रू हिमसेल्फ पर उन्होंने अपने आप को अलग किया उनसे वेंट इनटू द विल्डरनेस और वो जंगल में गए एंड ही प्रेड गिराने में गए और प्रार्थना की लूक 5 15 एंड 16 लूका का 5 और 15 और 16 ग्रेट फेम बहुत सारा नाम पीपल ऑल ओवर आर हियरिंग अबाउट हिम बहुत से लोग उसके बारे में सुन रहे हैं कमिंग टू हिम वो आ रहे हैं उसके पास हियरिंग व्हाट ही हैज टू से और ये सुनने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है हीलिंग चंगाई के लिए दे वांट इट उन्हें चाहिए जरूरत है If we were in that place, अगर हम उस जगह पे होते, we would be looking at the people and saying, "Come, I'll teach, I'll preach, I'll do this." But what is Jesus doing? और हम उन लोगों को देखिए कह सकते थे शायद कि आइए मैं सिखाऊंगा मैं करूंगा पर यीशु क्या करते हैं वो अपने आप को वो अपने आप को goes away to the wilderness और वो उस वीराने में जाते हैं he prays with his father और वो प्रार्थना करते हैं he is not concerned about people's applause और उसे ये पसंद नहीं कि लोग उनकी बड़ाई करें it makes no difference to him वो उन्हें कोई बात नहीं he is not worried about what people say to him उन्हें इसकी बात की परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे he does not want people's claps उन्हें तालियां नहीं चाहिए लोगों की You know what he wants? उन्हें क्या चाहिए पता है? He wants time with his father. उन्हें समय चाहिए अपने पिता के साथ. What's most important in your life? आपके जीवन में सबसे जरूरी क्या है? If it's not your time with God. अगर आपका समय जो प्रभु के साथ होना चाहिए. If that's not the most important. अगर वो सबसे जरूरी नहीं है. Then you are far away from God. तो आप बहुत दूर हैं प्रभु से. You heard that? क्या सुना तुमने? You are far away from God. तुम बहुत दूर हो प्रभु से. Don't think oh it happens once in a while. ये मत सोचना कि अरे एक बार कभी-कभी हो जाता है. You are far away from God. नहीं तुम प्रभु से बहुत दूर हो. Jesus withdrew. यीशु मसीह ने अपने आप को अलग किया. People are coming to him but he's saying but I need to go. वो अलग लोग उसके पास आ रहे पर वो कह रहे नहीं मुझे अलग In Second Chronicles chapter 26 दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय इज अ किंग कॉल्ड उज़ायाह और उज़ायाह नाम होशे नाम का उज़ायाह U-Z-Z-I-A-H उज़ायाह
उज्जाया नाम का एक राजा, one of Israel's greatest kings, और वो राजा है सबसे बड़ा इज़राइल, one of the greatest kings of Israel, और वो जो सबसे बड़े राजा रहे उनमें से, in verse 5 he says, और पांचवी पंक्ति में ये कहता है, and he sought the Lord all the days of his life, और उन्होंने प्रभु को अपने सारे जीवन में खोजा, and as long as he sought the Lord, और जिस जब जब और जब तक वो प्रभु को खोजता रहा, God made him prosper, और प्रभु ने उसे आशीष करते रहे. Some of you think. कुछ आप में से सोच रहे हैं. Good formula for prosperity. तो आप सोच रहे हैं कि अच्छा formula है मानो मशहूर. Hard to make money quickly and get successful. और आशीष पाने के लिए एक अच्छा formula है. Seek God. प्रभु को खोजो. Doesn't work. ऐसा he नहीं. He says, you know how he was seeking God. ये जानते हैं क्या लिखा है वहाँ पे वो किस तरीके से खोज रहे थे? Like Psalms 42 verse 1. और भजन संहिता 42. As the deer pants for the water, so my heart longs after you. जैसे एक हरणी पानी को तरसती है वैसे मेरा हृदय तेरे लिए तरसता है. That's how Uzziah was. और इसी तरीके से as long as he sought God, God helped him. और जिस जब तक वो प्रभु को ऐसे खोज रहा था तब तक प्रभु ने आशीष दी. But look at verse 16. पर 16 के पद में देखना क्या है? When he became strong. जब वो सामर्थी बना, his heart was lifted up, तो उसका हृदय जो है वो भर गया घमंड से, and he transgressed against the Lord, तो उसने पाप किया फिर प्रभु के विरुद्ध. He didn't make the mistake when he was weak. He made the mistake when he was strong. उन्होंने वो गलती तब नहीं की जब वो कमजोर थे, पर उन्होंने जब वो मजबूत बने, मशहूर जब उनको आशीष मिली तब. We find it very easy to pray when life is difficult. हमें आसान होता है प्रार्थना करना जब चीजें कठिनाई चल रही है जीवन में. But when everything is going right, पर जब सब कुछ सही चल रहा है, prayer is the last thing on our mind. तो प्रार्थना मानो लास्ट रहती है हमारी लिस्ट में. Why? क्यों? Because we have not understood the value of prayer. क्योंकि हमें मूल्य समझ में नहीं आया. We have not understood the value of prayer. हमें मूल्य समझ में नहीं आया. और यूजाया राजा जो थे, wanted God. उन्हें परमेश्वर ने got success. जब उन्हें सफलता मिली, then he said, oh, I can handle life. तो उन्होंने कहा कि अब मैं. And that's how sometimes a Christian can be. और ऐसा ही कई मसीह हो सकते हैं. When things are not going right, we are all around the church. We are doing all the things we can. We are there for prayer meeting. We do everything. And when things go right, suddenly I lose my focus. और जब चीजें खराब चल रही है या कठिनाई चल रही है तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ, जगह जगह पे आ रहा हूँ जहाँ पे कलीस है, पर जब चीजें सही हो जाती है तब मैं अपना ध्यान खो बैठता हूँ. It can happen. ये हो सकता है. And it happens when things are going right. और ये हो सकता है जब चीजें सही चल रही है. When his heart was lifted up. और ये कहता है जब उसका मन जो है भर गया पूरी तरह से उस चीजों से, घमंड से. घमंड से. You know what he stopped doing? जानते हैं उन्होंने क्या करना बंद कर दिया? He thought now there is no need to pray. तो उन्होंने सोचा कि अब जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की. I have everything now. मेरे पास सब कुछ है अभी. I don't need to pray. मुझे अब प्रार्थना की जरूरत नहीं. What is Jesus doing? पर यीशु क्या कर रहे हैं? There is a crowd outside. बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ है. Mark chapter 1 is saying that there is fame, adulation, people are clapping, they want him. मरकुस का पहला अध्याय ये बताता है वो मशहूर हो गए थे, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उन्हें जान रहे थे, उनके बारे में कहा जा रहा है. और एक तरह से मानो वो एक बड़ी उनके ऊपर उन्नति हो रही है. But he withdraws himself. पर वो अपने आप को अलग करते हैं. Remember where your source of blessing is. जानिए कि तुम्हारे आशीष का स्तोत्र क्या है. Remember where your blessing comes from. ये जानना कि आशीष आ कहाँ से रहे तुम्हारी. Who is the one who blesses you? कौन है वो जो तुम्हें आशीषित करता है? It's not your effort. तुम्हारे खुद के कार्य नहीं. It's not your talent. तुम्हारी खुद की talent नहीं. It's the Lord. प्रभु है. And he don't play games with him. और वो खेल नहीं खेलते. We don't play games with him. और हम खेल नहीं खेलते उनके साथ. That when we need him, we call him. जब हमें चाहिए तब हम बुलाते हैं. When we have everything, then we forget it. जब मिल जाता है सब कुछ तो भूल जाते हैं. Uzziah lost everything. और उज्जियाह ने सारी बात. Great was his fall. और उज्जियाह राजा ने. Teaches me something. और ये मुझे सिखाता है. ये मुझे ये सिखाता है. I need to be humble in prayer all the time. और मुझे प्रभु के सामने दीन होना जरूरी है. I need to be humble before the Lord all the time. और मुझे प्रभु के सम्मुख दीन होना बहुत जरूरी है. Without prayer, I can't do it. और प्रार्थना के बिगर मैं नहीं कर पाऊंगा. We are so efficient today. और हम इतने परिपक्व हैं आज. That we don't need prayer.
कि हमें प्रार्थना की जरूरत बट जीसस हैड ऑल द सक्सेस एंड स्टिल ही गोस अलोन और यीशु मसीह के पास तो वो सारी सफलता थी फिर भी वो प्रार्थना करने जाते वी प्रे फॉर सक्सेस बट ही हैड सक्सेस अब हम तो प्रार्थना करते हैं सफलता के लिए पर उनके पास तो सारी सफलता थी एंड ही गोस टू गॉड अलोन पर फिर भी वो जाते हैं प्रभु के पास And he says, I can't do anything till I hear from my father. और वो कहते हैं कि मैं तब तक कुछ भी नहीं कर पाऊँ जब तक मैं अपने प्रभु से सुनूँ. Thirdly. और तीसरी बात. Look at this. और ये सुनना. When he wants to make a decision. जब उन्हें एक निर्णय लेना है. Luke chapter 6. लूका का छठा अध्याय. Verse 12. बारवा. And it came to pass in those days. और ये हुआ उन दिनों में. That he went out into a mountain to pray. वो एक पहाड़ पे गए प्रार्थना करने and he continued all night in prayer to God. और पूरी रात उन्होंने प्रार्थना की wow. बहुत अद्भुत है Has there been a time when you prayed all night? क्या कभी ऐसा कोई समय रहा है जब पूरी रात आप प्रार्थना कर रहे हैं? Has there been? ऐसा Maybe as a church we should start. शायद एक कलीसिया होने के नाते हमें It will be interesting to see how many come. और ये बहुत ही अद्भुत होगा देखने के लिए कौन कौन आता है and then one day we'll have a potluck. और फिर एक दिन पॉटलक And then we'll see how many come. और फिर कितने आते हैं वो भी देखते हैं। Oh, when there is food. जब खाना हो। Everyone's there. सब आ जाए। When there is prayer. जब प्रार्थना हो। Pray for me. तो मेरे लिए प्रार्थना कर। I have lots to do tomorrow. बहुत कुछ करना है। You know the two least attended meetings in the church. जानते हैं दो सबसे कम जहाँ पे लोग आते हैं परमेश्वर की जो सेवाएं होती है सोल विनिंग एंड प्रेयर आत्मा जीतना और प्रार्थना नाउ इट्स द रिवर्स इन आवर चर्च हमारे यहाँ तो ये उल्टा ही है एवरीवन कम्स टू प्रेयर सब आते हैं प्रार्थना मोस्टली पीपल आर अबाउट सोल विनिंग और बहुत से लोग इट्स अमेजिंग एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट और बहुत अद्भुत है ये और धन्यवाद ये करते हैं पर घमंडी कंटिन्यू टू डू इट It's between you and the Lord. I'm thankful for your life. It's between you and the Lord. You love God. That's why you do it, not because I tell you. ये बहुत अद्भुत है तुम प्रभु से प्रेम करते हो इसलिए तुम करते हो ये. But this is a question here. और ये Luke chapter 6 verse 12. और लुका के छठे अध्याय 12वें वचन. How are you doing today? कैसे कर रहे हैं कैसा लग रहा है? You're understanding what we're talking about. समझ रहा है अब तक जो मैंने बातें की हैं. Are you sleeping? नींद आ रही है. No. If you are sleepy, let me know. अगर नींद आ रही है तो we'll have your neighbor pray for you. तुम्हारे पड़ोसी से कहेंगे तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए. Before he has to make a decision to choose the 12 apostles. और इसके पहले कि वो 12 प्रेरित चुने जाए, he prays. उन्होंने प्रार्थना. Now, you know how we are. जानते हैं हम कैसे? We take the decision and then we pray. हम निर्णय ले लेते हैं फिर प्रार्थना करते हैं. Jesus is reverse. यीशु मसीह उल्टे हाउ मेनी ऑफ यू ऑलवेज टेक अ डिसीजन एंड देन यू रियलाइज अरे प्रार्थना नहीं की चलो प्रार्थना करो गॉड मैंने ये कर लिया प्लीज इसको ब्लेस कर देना मोस्ट ऑफ अस राइट बहुत से हम में से वी फॉरगेट हम भूल जाते हैं प्रे करना भूल गया प्रार्थना कर एंड वी हैव टेकन द डिसीजन और हमने निर्णय ले लिया देन वी एक्सपेक्ट गॉड टू ब्लेस द डिसीजन और फिर हम ये सोचते हैं कि प्रभु उसको आशीष कर देंगे What is Jesus showing us? यीशु मसीह क्या दिखा? Before he chose the 12, उन्होंने के इसके पहले के वो 12 को चुने, he spent the whole night in prayer on top of a mountain, alone praying to God. पूरी रात उन्होंने उस पहाड़ पे अकेले बैठकर प्रार्थना की। Now you'll say, अरे जूडास को भी चुना था, फेल हो गए प्रेयर, बराबर नहीं किया रहेगा। No. I know some of you are already thinking that, पूरा रात प्रे के फिर जूडास को कैसे चुना? It was a part of the plan to show a spiritual warfare what it is like. और ये योजना का एक हिस्सा था हमें ये दिखाने के लिए कि आत्मिक युद्ध में कैसा होता है। But what's the principle he's teaching? और सिद्धांत क्या सिखा रहे हैं? Before you take a major decision in life, pray. इसका अर्थ ये है कि सबसे बड़े-बड़े निर्णय लेने के पहले प्रार्थना। No, over the last few months. कुछ महीनों से। I have heard of people who have taken major decisions in life. कुछ महीनों से मैं सुन रहा हूँ कि बड़े बड़े निर्णय totally against the will of God. बड़े बड़े निर्णय लेने से पहले जो प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है लोगों ने कुछ मेरे जिन कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने बड़े बड़े निर्णय अपने जीवन में ले लिए पिछले कुछ महीनों में जो बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है और अब वो कह रहे हैं परमेश्वर की इच्छा थी इसलिए हो गया Doesn't happen. ऐसा नहीं होता है You cannot justify doing something wrong and then say it is the will of God. It doesn't work that way. तुम अपने आप को सही नहीं साबित कर सकते और कह सकते प्रभु की इच्छा थी इसलिए मैंने ऐसा किया. You cannot take a decision which is against the Bible and then say
happened. निर्णय ऐसा लेके जो बाइबल के विरुद्ध है, फिर कह नहीं सकते कि ये सही है. We need to pray before we take major decisions in life. प्रभु के सामने प्रार्थना करना जरूरी है जब हम. And if the answer is delayed, have patience. जब उत्तर में समय लगे तो Be strong in your heart. धीरज धरना और रुकना. Be strong in your heart. अपने हृदय में मजबूत रहना. Don't faint in a way. Don't give up. और हार मत मान लेना. थक मत जाना. When it's time for God to bring the answer to the prayer, He will bring it. जब प्रभु का समय होगा उसे पे उत्तर लाना तब वो लेके आएंगे. Don't try to short circuit the process. और उस उसमें shortcut लेके आने की ये मत. Yeah. He says in verse 13. और 13 भी पढ़ते हैं. It was day. जब दिन था. He called his disciples. उन्होंने अपने चेलों को बुलाया. He chose the 12. उन्होंने 12 को चुना. And he named them apostles. और फिर उन्हें प्रेरित घोषित कर दिया. What was the strategy? और ये तरीका क्या था? First prayer. पहले प्रार्थना. Long. Big decision. बड़ा समय. बड़ा निर्णय. Long prayer. बड़ी प्रार्थना. Long prayer, then major decision. और बड़ी प्रार्थना उसके बाद बड़ा निर्णय. Small decisions, small prayer. छोटे निर्णय लेने छोटी प्रार्थना. What was he trying to teach us? क्या सिखा रहे थे वो हमें? Dependence upon God. वो प्रभु पे निर्भरता. Or decisions in life. जो निर्णय लेने. And I see the young generation, and I'm not blaming anyone, but I see the young generation. They want to take decisions very quickly. और युवकों को मैं देख रहा हूँ आज की युवा पीढ़ी को, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ निर्णय लेना. Everything wants to be quick. पर बहुत जल्दबाजी में करना चाहते. God doesn't work like the ATM machine. और प्रभु जो है ATM machine की तरह काम नहीं करते. एक प्रार्थना डाली, आंसर बाहर. Doesn't work that way. और इस तरीके से नहीं होता. There are major decisions in your life because they will affect you. और बड़े-बड़े निर्णय हैं जो आपके जीवन में. And you may think that चलेगा, and in the end God will work out everything. No, remember that. और हम सोचते नहीं नहीं प्रभु सब अंत में सब सही कर देगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. सब ठीक कर देगा वो. Before you take a major decision in life, make sure you have got the decision from God. और जब तुम एक बड़ा निर्णय लेने के पहले प्रार्थना करो, ये निश्चय कर लो कि तुमने प्रभु से प्रार्थना. The biggest decision in life is salvation. और सबसे बड़ा निर्णय जो है जीवन का है वो है उद्धार. The next major decision in your life is the one whom you are going to marry. और दूसरा जो सबसे बड़ा निर्णय है वो है कि किससे शादी करने है. Another major decision in your life is when God calls you, what are you going to do? और तीसरा सबसे बड़ी बुलाहट ये है कि प्रभु तुम्हें जिस these decisions of life. इन निर्णय में जीवन के. Make sure you have an answer from God. ये जान लेना कि प्रभु से तुमने सुन लिया है. Make sure you get an answer from God. ये जान लेना कि प्रभु से सुन लिया है. So that you can be on the right path. कि तुम सही मार्ग पे चल सको. And don't be in a hurry. और जल्दबाजी मत करना. Don't be in a hurry. जल्दबाजी मत करना. Ask the Lord. प्रभु से मांग लेना. And when He tells you. और फिर जब वो तुमसे कहे. Move. तब आगे बढ़ना. Because we have this habit. क्योंकि हमारे अंदर ये आदत है. We are excited. हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं. Whenever we talk about marriage, we are excited. जब शादी की बात आती है तो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं. Fast. बहुत जल्दबाजी में. Right person. सही. मिल गया. And देख लेंगे हम लोग. अभी फटक से कर लो. It's okay. You don't worry. You're taking time. It's okay. बस बोलो, चिंता मत करो. Like अभी कोई जल्दी नहीं है, right? We're not in a hurry. Don't be in a hurry for those decisions. और जल्दबाजी नहीं करनी है. The major decisions in your life. जो बड़े-बड़े निर्णय हैं जीवन के. Wait for God to give you the answer. रुकिए प्रभु के लिए उत्तर. Don't twist his arm. उनके कलाई को मरोड़ने की कोशिश मत करो. प्रभु. God. प्रभु. प्रभु. God. ऐसा कर दो. Do this. मैंने सुना. मैंने सुना. I heard. You heard your own conscience. तुमने अपने आप को ही सुना है. You didn't hear God. प्रभु को नहीं सुना है. It's amazing when God makes the decisions for you. बहुत ही अद्भुत है जब प्रभु तुम्हारे लिए कोई निर्णय लेते हैं. You will never regret it. उसके ऊपर कभी पश्चाताप नहीं होगा. You will never regret it. कभी पछताओगे नहीं. And if you make your own decisions before consulting God, then you will regret it. पर प्रभु से सलाह लेने के पहले अगर तुम कोई निर्णय लेते हो, तो जरूर पछताओगे. हाँ, अनुग्रह है वहाँ पे. He loves his children. प्रभु प्रेम करते हैं अपने बच्चों. But you don't want to go that path. पर तुम्हें वो मार्ग नहीं चलना. You don't want regret. तुम्हें वो रास्ता नहीं चलना. You want him. हमें उसे पाना है. Look at this.
और इसे देखिए, लुक एट दिस, इस चीज को देखिए, इन जॉन 5:19 और योहन्ना 5, आई कैन डू नथिंग ऑफ माय सेल्फ, वो कहते हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं, जॉन 14:10 और योहन्ना 14:10, आई स्पीक आर नॉट माइन, जो शब्द मैं कहता हूं वो मेरे लिए, इट इज द वर्क थ्रू मी, वो मेरे द्वारा कार्य करते हैं, लिसन व्हेनेवर देयर इज अ मेजर डिसीजन टू बी टेकन, सुनिए जब कोई एक बड़ा निर्णय लेना है, आस्क द लॉर्ड, प्रभु से मांगो, एक्ट्स चैप्टर 13 प्रेरितों के काम 13 और ऑल गोइंग टू द मिशन फील्ड, वो सब उस मिशन फील्ड पे जा रहे और वो प्रार्थना कर, स्पिरिट सेड सेपरेट पॉल एंड बार्नबास टुगेदर इन अ टीम, और वो कहते हैं पॉल और बार्नबास को अलग, फॉर द मिशन वर्क टू गो फॉरवर्ड गॉड हैड सिलेक्टेड पॉल एंड बार्नबास टू गो टुगेदर, पौलुस और बार्नबास अ टीम, पौलुस और बार्नबास को एक साथ किया था परमेश्वर ने और उन्हें अलग किया, गॉड डिड से बार्नबास इज एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजर, गॉड पॉल इज अ this thing and this will let them, she says the Holy Spirit separated them and said you go here, और ये नहीं कहा कि पौलुस एक अच्छा है, बार्नबास कुछ इस बातों में अच्छा है, ऐसा कह के नहीं, पर उन्होंने सिर्फ ये कहा कि पौलुस और बार्नबास को मेरे लिए अलग कर दो, और इतना आत्मा नहीं, it was a major decision in church history, और ये सबसे बड़ा निर्णय था चर्च के इतिहास में, कलीसिया के इतिहास में उस समय में, चर्च प्रेड और कलीसिया ने प्रार्थना की थी उस समय, God said I want them to be my missionaries, और प्रभु ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये मेरे unto me, Paul and Barnabas. उन्होंने कहा पौलुस और बार्नबास को मेरे लिए अलग कर दो. Listen. और ये we need to pray. हमें प्रार्थना करना. We need to pray before we make decisions, not after we make the decision. और हमें निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करनी, निर्णय लेने के बाद प्रार्थना नहीं. We don't need prayer after the decision. We need before the decision. और निर्णय लेने के बाद हमें प्रार्थना नहीं करनी है. पहले. There are choices that you have to make. चुनाव ऐसे होंगे जो हमें करने होंगे. There are things that you have to choose in your life. और ऐसे चुनाव, ऐसी चीजें चुननी होंगे. Even before you choose your friends, ask the Lord if this I should be friends with this person. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले कि तुम अपने दोस्त चुनो, इससे इसके पहले भी Because you can very well choose the wrong people and your life can go in a different direction. तुम बहुत अच्छे से किसी गलत व्यक्ति को चुन लोगे और वो तुम्हारे Ask the Lord before you make those decisions. You don't need to tell them, hey, तू मेरा दोस्त बनना चाहता है? रुक, पहले मैं प्रार्थना करता हूँ तू मेरा दोस्त बनेगा नहीं? अंदर जाके कहते, hey, मेरे को मेरे परमेश्वर ने कहा तेरा दोस्त नहीं बनेगा. You know what? You'll never follow God. और वो प्रभु के पीछे कभी नहीं चलेगा अगर तुम ऐसे कहोगे तो उससे. You ask the Lord. और तुम मांगो प्रभु. And if God says stay away from the person. और अगर प्रभु कहे कि उससे दूर रहना. You can say hi, hello. तो उससे बातचीत हाय हेलो कर सकते. और कुछ भी समय जो मिलता है, share the gospel, सुसमाचार बांटो. Because there is a reason why God is telling you to not go to that person. क्योंकि कोई कारण है प्रभु कह रहे हैं उसके पास मत जाना. ये सोचो, Saul, शाउल जो था, when David did not take his life, जब दाऊद ने उसका जीवन नहीं लिया शाउल राजा का, Saul said, forgive me, David. तो शाउल ने कहा कि दाऊद मुझे माफ कर. दाऊद मुझे माफ. My son. मेरे बेटे, my son, मेरे बेटे, I have made a mistake. मैंने गलती की. Please come back. आ जा वापस. If David was emotional, अगर दाऊद भावना में बह जाता, he said, wow, Saul is asking for forgiveness. वो कहता, शाउल राजा मुझसे माफी मांग रहा है, मुझे वापस जाना चाहिए. David must have gone to God. वो प्रभु के पास गए होंगे. David said, I am not going back. और दाऊद ने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं आऊंगा. He has not changed. वो बदला नहीं है. He knew. वो जानते हैं. At the same time. और उसी समय में he is best friends with Saul's son. और उसी समय में वो जोनाथन जो शाउल का सबसे शाउल का बेटा है उसके साथ उसकी सबसे अच्छी दोस्ती है. God told him who to stay close to and who to stay far from. प्रभु ने उसे दिखा दिया था किसके नजदीक रहना है और किससे दूर रहना है. And David says this. और दाऊद ये कहता है I am not friends with the king because he wants my life. दाऊद ये कहता है कि मैं राजा से दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि उसे मेरा जीवन चाहिए. But this, his son is spiritual. पर योनातन उसका बेटा जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है, आत्मिक है. I can connect with him. मैं उसके साथ संगति कर. Let your friendships be based on spirituality and not personality. और आपकी जो दोस्ती है वो लोगों के आत्मिक जीवन पे निर्भर करे, उनके दिखावटी रूप पे नहीं. Because lot of people follow personality. क्योंकि बहुत से लोग दिखावटी बने पे चले जाते हैं. He speaks well. वो अच्छा बोलता है. He preaches well. ये अच्छा सिखाता है. They do this well. ये अच्छा ये करता है. They dress up well. ये अच्छे कपड़े पहनता है. Let's follow them. तो इनके पीछे चलते हैं. That's why they use film stars to promote products. इसीलिए तो फिल्मी जो लोग रहते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं एडवर्टाइजमेंट.
that's why they use them. इसीलिए तो उनका इस्तेमाल किया जाता है. But our friendship, our relationship should be based on spirituality. पर हमारी जो दोस्ती है, हमारे जो संबंध है, वो आत्मिक रूप पे निर्भर है. Not based on people's personality. उनके दिखावटी रूप पे नहीं, उनकी आत्मिकता पे भी निर्भर है. Right? सही है. I can be friends with someone. मैं किसी का दोस्त हो सकता हूँ. And if there is no spiritual, nothing spiritual coming from there. पर कुछ भी आत्मिक उनसे नहीं आ रहा. I tend to withdraw a little bit. तो फिर मैं I love the person. मैं प्रेम करता हूँ. But I'm not getting anything there. पर मुझे कुछ मिल नहीं रहा. I can enrich my relationship with God. कि उससे मेरे संबंध को कुछ मिले प्रभु के साथ. And if I cannot grow in God, then I don't want to spend too much time there. और अगर प्रभु में मेरी बढ़ोतरी नहीं हो रही उस व्यक्ति के साथ. We all have the same 24 hours. तो हम सब का ऐसा ही है. Use them wisely. हमें बुद्धिमता से काम करना है. Listen. सुनिए. It's very easy. ये बहुत ही आसान है. To watch a movie for 3 hours. Very easy. बहुत ही आसान है 3 घंटे के लिए एक पिक्चर देखना जाके. You know how tough it is to pray for 3 hours. जानते कितना कठिन है 3 घंटे के लिए प्रार्थना करना. You tend to doze off in the first 15 minutes. पहले ही 15 मिनट में नींद आने लगी. पर प्रभु मेरे हृदय को जानता है. God knows my. तो पिक्चर भी 15 मिनट का बोलो, इसका एंड तो मालूम है. निकल जाओ ना. नहीं निकलते. यू नो व्हाई? जानते हैं क्यों? पर्सनालिटी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि दिखावटी के सामने जो है आता है. किसी का व्यक्तित्व मुझे ज्यादा पसंद है, लेकिन मुझे आत्मिकता ज्यादा पसंद होनी चाहिए. बिफोर यू मेक अ बिग बिग डिसीजन, जस्ट प्रे विद प्रे. इसके पहले कि मैं कोई बड़ा निर्णय लूं, प्रार्थना करूं परमेश्वर से. समवन नीडेड टू बी हील्ड. किसी को चंगाई की जरूरत है. Jesus prayed. यीशु मसीह ने प्रार्थना. You think Jesus needed to pray before he could heal someone? क्या लगता है कि प्रभु को प्रार्थना कर यीशु को प्रार्थना करने की जरूरत है किसी को चंगाई देने से पहले? I don't think so. मुझे तो नहीं लगता. But he did. पर उन्होंने किया. John chapter 11. योहन्ना का 11. He goes to Lazarus's grave. और लाजर की कब्र के पास जाते हैं. Then he says, open the grave. और वो कहते हैं इस कब्र को खोलो. Then he speaks to his father. और फिर वो प्रभु से बात करते हैं. And then he says, Lazarus come forth. और फिर कहते हैं कि लाजर बाहर आ. There are many people who will need this healing. और हम में से कई हैं जिन्हें चंगाई की जरूरत. Don't depend upon yourself. अपने आप पे निर्भर मत. My experience. मेरे खुद के अनुभव पे. Check with God. प्रभु से जान. Ask the Lord. प्रभु से जान. Depend upon Him. उन पे निर्भर रहो. Depend upon Him. उन पे निर्भर रहो. Verse 42 of John chapter 11. और योहन्ना का 11 उसका 42वां. This is what Jesus is saying. यीशु मसीह ये कह रहे हैं. I know that you hear me always, Father. और मैं जानता हूँ प्रभु आप हमेशा मेरी सुनते हैं. But because of the people who stand by. और उन लोगों की वजह से जो यहाँ पे. I said. मैं कहता हूँ. I prayed. मैं प्रार्थना करता हूँ. They may believe in you. कि वो तुझ पे भरोसा करे. And that you have sent me. कि तूने मुझे भेजा है. And then when he had spoken that. और फिर जब उन्होंने वो बात. He cried with a loud voice and said, Lazarus come forth. और फिर उन्होंने जोर से कहा चिल्ला के कि लाजर बाहर आ. Did Jesus have the power to raise Lazarus to life? क्या यीशु मसीह के पास वो सामर्थ्य है कि लाजर को बाहर निकाले? Yes. हाँ बिल्कुल. But then why does he pray? तो फिर प्रार्थना करने की क्या जरूरत? To show. ये दिखाने के लिए. The power comes from God alone. कि सामर्थ्य जो है प्रभु से ही है. When someone gets healed, I don't want the credit. जब कोई चंगाई पाता है तो मुझे उसका सारा क्रेडिट. I prayed. मैंने प्रार्थना की. They got healed. उसको चंगाई मिली. No. नहीं. God answered. प्रभु ने उत्तर. Of course we pray. हाँ. Of course we have the faith. बिल्कुल हमारा. Of course we believe God. बिल्कुल हम भरोसा. Understand what I'm trying to say. जानिए मैं क्या कहना चाहता हूँ. Why does the healing happen? क्यों वो चंगाई होती है? So that God gets the glory. ताकि प्रभु को महिमा. And someone who's standing by will believe in Jesus. कि कोई जो पास में खड़ा है वो. That's why we ask for healing. इसीलिए मैं चंगाई मांगता हूँ. So that when someone hears about it, we can say, Hey, Jesus can heal. और जब कोई सुनता है तो प्रभु प्रभु चंगाई देते हैं. Does God do these miracles? क्या प्रभु चमत्कार करते हैं? Of course he does. जी हाँ वो चमत्कार करते हैं. God does miracles. जी हाँ प्रभु चमत्कार करते हैं. God can do it. हाँ प्रभु कर सकते हैं. He says, but today he doesn't raise anyone from the dead. पर आज तो किसी को भी मुर्दों में से जिंदा नहीं करता है. He does. जी हाँ करता है. He raises the dead from their trespasses and sins. वो उन मुर्दों को. Those who are dead in their trespasses and sins, he brings them out and makes them children of God. वो जो पाप में मर रहे हैं, पाप में गिर रहे हैं, उनको उठा के प्रभु जिंदा. The lost are dead in their trespasses and sins, and when they accept Jesus, they are going to hell, but they can go to heaven. और वो खोए हुए जो हैं, वो अपने पापों में मरे हुए, पापों में गिरे हुए, उनको उठा के प्रभु जिंदा करता है. Pray. प्रार्थना करो. Pray.
प्रार्थना करो pray that people lost can be saved ये प्रार्थना करो कि जो खोए हुए वो जीत वो वापस आ जाए so far what have we talked about इतने देर में हमने क्या-क्या बातें की Jesus started his ministry with prayer प्रभु ने अपनी सेवकाई शुरुआत की प्रार्थना से before to get direction in his life दिशा पाने से पहले अपने जीवन में his devotion life उनके व्यक्तिगत जो समय था उसमें to take a major decision उन्होंने एक बड़ा निर्णय लेने से पहले for healing चंगाई के लिए then last two points और अंत में दो बातें he prayed when for dependence upon God that I may continue to depend upon you और उन्होंने ये प्रार्थना की कि प्रभु मैं आप पे निर्भर रह सकूं हमेशा 5 chapter 6 verse 41 और मरकुस का छठा उसका 41 5 loaves and 2 fishes and looked up to heaven और उन्होंने उस पांच रोटी दो मछली ली और स्वर्ग की ओर देखा blessed it और आशीषित किया उन्होंने and break the loaves and gave it to the disciples before और उन्होंने वो रोटी तोड़ी और उन्होंने चेलों में बांट दी everyone ate सब ने खाया could he do the miracle क्या वो कर सकते थे वो चमत्कार yes जी हां बिल्कुल But what did he do? और उन्होंने क्या किया? He went to pray. उन्होंने प्रार्थना की. And then look at what happens. और फिर ये देखो क्या होता है. He told his disciples to get into a ship. तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि उस नाव में. This is 41-46. और ये 41-46 वचन है. When he sent them away. जब वो उन्हें दूर भेज चुका था. He went back to the mountain to pray. फिर से वो गए और प्रार्थना की. Now if you and I were there. अगर आप और मैं होते and we had taken 5 loaves and 2 fishes and thanked God and everyone would have eaten और अगर हमने ये किया होता कि उन रोटियों को लिया होता प्रभु से धन्यवाद मांगा होता और उसे बांटा होता और सबने खा लिया था उस चीज को would we withdraw and go to pray क्या हम अलग होकर प्रार्थना करने जाते I don't think so मुझे नहीं लगता but Jesus depended upon his father पर यीशु मसीह अपने प्रभु पे निर्भर थे पिता पे निर्भर थे he went back to pray वो फिर से गए प्रार्थना करने you may have success तुम्हारे पास सफलताएं हो सकती हैं। Don't forget to give the credit to God। पर उसका जो श्रेय है वो प्रभु को देना कभी मत भूलना। Learn to give it to God। उसे प्रभु को ही देना। Finally। और अंत में। He prayed for the will of God। उन्होंने ये प्रार्थना की प्रभु की इच्छा। Matthew 26। मत्ती के 26 में। He's in the garden of Gethsemane। वो उस गेथसेमने के बगीचे में है। What is he praying? क्या प्रार्थना कर रहे हैं? Can we have another way? क्या एक दूसरा तरीका है? Can salvation be come through another way? क्या उद्धार किसी और तरीके से? No, does it have to go through the cross? क्या जाना जरूरी है क्रूस से? Our fellowship will be broken. आपके और मेरी संगति टूट जाएगी. I don't want that. मुझे ये संगति नहीं तोड़. But let not my will be done. पर मेरी इच्छा नहीं. Your will be done. तेरी इच्छा पूरी हो. It's a tough decision. ये एक बहुत ही कठिन निर्णय. But he wants what God wants. पर उन्हें वो चाहिए जो प्रभु चाहते हैं। In Mark chapter 10 verse 21. और मरकुस का 10 उसका 21 वचन। Why Jesus take up your cross and walk? और वो कहता है कि अपना क्रूस उठा और चल। You know what it means? जानते हैं इसका मतलब क्या है? Die to your plans and do what God is saying. इसका मतलब ये है कि अपनी योजनाओं के लिए मर जाओ और प्रभु के लिए कार्य। Keep the will of God the most important thing in your life. प्रभु के पीछे चलने की जो इच्छा है उसे सबसे महत्वपूर्ण। How will you know the will of God? पर कैसे पता चलेगी प्रभु की? By prayer and studying the Bible. That's the only way you will get to know the will of God. प्रार्थना करने से और प्रभु के पीछे वचनों के पीछे चलने से। If Jesus who is perfect needed prayer. अगर यीशु मसीह जो सिद्ध थे उन्हें प्रार्थना की जरूरत थी। How much more do we need it? तो हम में से कितनों को जरूरत है? Do you think he is still praying? क्या तुम्हें लगता है कि वो आज भी प्रार्थना कर रहे हैं? Hebrews chapter 7 verse 25. और इब्रानियों के 7:25. He lives to make intercession for us even today. और वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं स्वर्ग में. As a child he was praying. एक बच्चे होने के नाते वो प्रार्थना करते हैं. Public ministry he was praying. उनकी सेवकाई शुरू करने के लिए direction in his life he was praying. दिशा पाने के लिए जीवन में. In his devotional life he was praying. व्यक्तिगत जीवन में वो अपने. Before he did a miracle he was praying. जब वो बड़े before he was healing he was praying चंगाई देने से पहले प्रार्थना before he was taking major decisions he was praying बड़े निर्णय लेने से पहले प्रार्थना he was praying so that he can depend upon God ये प्रार्थना कर रहे थे कि मैं निर्भर रहूं he was praying that he will be able to do the will of God ये प्रार्थना कर रहे थे why is this so important in the gospels और ये सब जरूरी क्यों है so that for you and me to live that way ताकि मैं और आप जी सकें। If the perfect son of God needs to interact with his father, then how much more we? जब वो सिद्ध बेटा उसको जरूरत है प्रार्थना की तो हमें कितनी जरूरत है? And even though he's in heaven right now, और वो स्वर्ग में आज तो yet he continues to intercede for us. तो भी वो आज हमारे लिए प्रार्थना In heaven, Jesus is praying for you and me right now. यीशु मसीह आज भी स्वर्ग में हमारे और आपके लिए प्रार्थना How much, how valuable is that?
ये कितना मूल्यवान है. How valuable is that? ये कितना मूल्यवान है. He lives forever to make intercession for them. और वो जीता है हमेशा के लिए हमारे लिए प्रार्थना. You know what it means? इसका मतलब क्या है? He's not going to lose any one of us. इसका मतलब ये है कि वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा. Hold all of us. वो हम में से सबको. And he's praying for us today. और वो हमारे लिए प्रार्थना. Lord, प्रभु. Keep this person safe in temptation. और इस बच्चे को बचाए रखना. Help this person in their decisions. और इसको निर्णय लेने में मदद कर. Help this person in their decision making. और मदद करना इसके लिए. He continues to intercede for us. और ये निर्णय वो हमारे लिए प्रार्थना. Paul taught us that in Ephesians chapter 6. और पौलुस ने हमें सिखाया है इफिसियों के छठे अध्याय में. Keep on praying. उन्होंने कहा है प्रार्थना करते रहो. Pray and keep on praying. प्रार्थना करते रहो और प्रार्थना करते रहो. As it's the work of the tailor to stitch clothes. जैसा कि एक दर्जी का काम है कपड़े सीना. It's the work of the Christian to pray. वो एक कार्य है मसीह का मसीह लोगों का प्रार्थना. सुनिए. You want strength in your life. तुम्हें सामर्थ्य चाहिए अपने जीवन. You want power in your life. तुम्हें एक शक्ति चाहिए. You want transformation in your life. तुम्हें बदलाव चाहिए अपने जीवन. You want God's guidance in your life. तुम्हें दिशा चाहिए प्रभु की. You want peace in your life. तुम्हें शांति चाहिए प्रभु की. सीखिए प्रार्थना. You want direction in your life. तुम्हें चाहिए कि दिशा मार्गदर्शन in your life. तुम्हें ये चाहिए कि कैसे छुटकारा मिले. Learn to pray. प्रार्थना करना सीखो. Learn to pray. प्रार्थना करना सीखो. How do I learn? कैसे सीखूं? Study the life of Jesus. यीशु मसीह के जीवन को पढ़ो. Here's what you can do. ये कर सकते हो. Read Matthew, Mark, Luke and John and see how many times it says in Jesus pray. और मत्ती मरकुस और लूका को पढ़ो और John. और योहन्ना को पढ़ो और उसमें देखो कि कितने बार प्रभु ने प्रार्थना की. Just read this verse and he began to pray. And he withdrew and prayed and he asked the Lord. Just read how many times it is there. कितनी बार ऐसा लिखा है कि ये 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 पढ़ना कि कितनी बार. And when you read it. और जब तुम ये पढ़ो जब तुम ये पढ़ोगे. Ask the Lord to help you in that area. और प्रभु से मांगो कि प्रभु तुम्हें सिखाए वैसे किस तरीके से उस क्षेत्र में तुम भी प्रार्थना कर सको. You know what I want to grow in? जानते हो मैं किस में बढ़ना चाहता हूँ? In this aspect of my life. ये जो क्षेत्र है मेरे जीवन का. I don't know enough of prayer. मैं ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ. नहीं नहीं. But मैं हिंदी अनुवाद ठीक से करता हूँ. मैंने कहा मैं उतनी प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ. मैंने कहा मैं उतनी प्रार्थना के बारे में जानता नहीं जितना मुझे जानना चाहिए. I need to know more about prayer. I need to know to pray. मुझे जानना है कैसे. Not for people. लोगों के लिए. Only. सिर्फ. लोगों के लिए नहीं. But for my relationship. पर मेरे संबंध के लिए. And then for others. और फिर दूसरों के लिए. Then for others. फिर दूसरों के लिए. If I cannot pray for myself, how can I pray for others? जब मैं अपने आप के लिए प्रार्थना नहीं करता. If I don't know how to pray, how will I help others by prayer? जब मैं खुद के लिए प्रार्थना करना नहीं जानता तो दूसरों के लिए कैसे करूंगा? I love this Luke 11. मुझे बहुत पसंद है लूका का कहना. Lord. प्रभु. Teach us to pray. मुझे सिखाइए प्रार्थना. He didn't ask for anything else. वो नहीं जानते. I wish I was around when Jesus was praying. वो और कुछ चीज उन्होंने नहीं मांगी और मैं ये इच्छा है मेरी कि काश मैं होता वहां पे. But we are here. पर हम यहाँ पे हैं. And we have the written word with us. हमारे पास लिखा हुआ वचन. It shows us how to pray. और ये हमें सिखाता है. And the Holy Spirit teaches us how to pray. और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है. It's my desire to learn how to pray. और ये मेरी इच्छा है कि कैसे प्रार्थना. Learn to pray. सीखना कैसे. Learn to pray. सीखना कैसे प्रार्थना. It's the disciples' desire. और ये चेलों की इच्छा. Let it be our desire. हमारी भी इच्छा होनी चाहिए. Father, we thank you. पिता हम धन्यवाद देते हैं. Teach us to pray. हमें सिखाइए प्रार्थना. Many things we can learn. बहुत सी चीजें हम सीख सकते हैं. The greatest thing we can learn is to pray. पर सबसे बड़ी चीज जो हम सीख सकते हैं वो प्रार्थना करना. We are not experts, God. हम बिल्कुल ही सिद्ध नहीं है सारी बात. We may think we are. हम सोचते हैं कि हम सिद्ध हैं. But we are not. पर हम नहीं हैं. Teach us to pray. सिखाइए हमें. Teach us to seek you in prayer. हमें ये सिखाइए कि कैसे प्रार्थना. Teach us to grow in prayer. हमें सिखाइए कि कैसे बढ़ना है प्रार्थना. Teach us to have victory by prayer. हमें ये सिखाइए कि कैसे जय पानी है प्रार्थना में. It's by prayer. ये मेरी प्रार्थना है प्रभु. We can seek you. कि मैं आपको खोज सकूं प्रभु. Your word says, आपका वचन कहता है प्रभु. Effective prayer. कि जो धर्मी की प्रार्थना है. Effective prayer. कि धर्मी की प्रार्थना. A righteous person. और जो उस व्यक्ति की है जो धर्मी है. Brings much fruit. वो ज्यादा फल लेके आते हैं. Your word says, आपका वचन कहता है. My people. जब मेरे लोग were called by my name.
वो मेरे नाम से बुलाए गए थे humble themselves और वो दीन किए गए थे and pray और प्रार्थना की and seek my face और उन्होंने मेरे चेहरे को खोजा and turn from their wicked ways और अपने दुष्मार्गों से मुड़ गए then I will hear from heaven तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा I will forgive their sin और मैं उन्हें उनके पापों को क्षमा करूंगा और मैं उनके Psalm 145 verse 18 और भजन संहिता 145 उसका 18 कहता है the Lord is near जो प्रभु जो है निकट है to all those who call upon him जो उसे बुलाते हैं who call upon him in truth और जो उसे बुलाते हैं सच्चाई में Father we thank you पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं once again we say एक बार फिर से as the disciples said जैसे उन चेलों ने कहा teach us to pray हमें सिखाइए प्रार्थना करना if you are here this evening अगर आप हैं आज की शाम यहाँ पे You've never accepted Jesus in your life. और आपने कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं किया अपने जीवन में. You're sure of going to heaven. और आप निश्चिंत होना चाहते हैं स्वर्ग जाने के लिए. Pray this simple prayer. तो ये एक साधारण सी प्रार्थना है. Accept Jesus in your life. प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए अपने जीवन में. Say Jesus save me. प्रभु मुझे बचा लीजिए. I'm a sinner. मुझे बचा लीजिए मैं पाप Thank you for dying for my sins. धन्यवाद मेरे पापों के लिए मरने के I put my trust in you. मैं अपना भरोसा आप पे रखता हूँ I accept you as my Lord and Savior. मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ If you're saying that prayer for the first time. अगर आप ये प्रार्थना पहली बार कर रहे हैं No one's looking, eyes are closed, heads are bowed. कोई नहीं देख रहा है, सारे आंखें बंद हैं, सर झुके हुए हैं. You can raise your hand for a moment and put it down. एक क्षण के लिए अपना हाथ ऊपर करना और नीचे करना. Is there anyone who's saying, Father? और अगर कोई है जो कह रहा है dying for my sins. पिता आप मेरे पाप के लिए मरे धन्यवाद I accept you as my Lord and Savior. मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं Thank you for those hands. धन्यवाद उन हाथों के लिए Thank you. धन्यवाद Know that you've made an eternal decision. और जान लेना कि एक आपने एक अनंत काल के लिए निर्णय बना लिया God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं Father, thank you for this evening. पिता धन्यवाद आज की शाम के लिए Christ's name we pray. Yeshua Masih ke naam se. Amen.